करते हैं अब देश की सरकार को लेकर 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को ले सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। पहले 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने की खबर थी। एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी, सूत्र बता रहे हैं। टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग रखी है। डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी दे सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है कोलिशन की सरकार में स्पीकर का पद, और ऐसे में इसीलिए ये कहा जा रहा था कि टीडीपी की ओर से खास दबाव है इस पद के लिए, लेकिन बीजेपी इस पद को अपने पास से नहीं जाने देगी। विनीत हमारे सहयोगी, विनीत बताएं। टीडीपी जो है वो स्पीकर का पोस्ट जो है वो अपने साथ रखना चाहती है। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बालयोगी जो थे, जीएमसी बालयोगी, वो स्पीकर थे, उसी तरह उसी तर्ज पर इस बार भी स्पीकर का पोस्ट जो है वो टीडीपी चाहती थी। लेकिन उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की बीजेपी में लगभग 2 दशक से अधिक का समय हो गया है। उस वक्त बीजेपी 180 के लगभग थी और इस वक्त बीजेपी 240 के लगभग है। ऐसे में बीजेपी जो है वो स्पीकर का पोस्ट जो है वो नहीं दे सकती, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो टीडीपी को जो है बीजेपी ने ऑफर किया है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तर्ज पर जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा में पोस्ट जो है वो बीजेपी ने जेडीयू को ऑफर किया है, जेडीयूपी को दिया है, इसी तर्ज पर जो है वो बीजेपी जो है वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो जो है वो टीडीपी को दे सकती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनीत। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। यादव मेरे साथ हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पहले ही अपनी इनिंग में छक्का मार दिया, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, बड़ी जीत मध्य प्रदेश को। ये माननीय मोदी जी के काम का आधार है बड़ा अपने आप में, और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी पूरे प्रदेश में एक नारा गूंजा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसका परिणाम हमने ये दिया। जब सरकार बनी तब से जनहितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी 2 नदी जोड़ों बड़ी परियोजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। नीचे विधायकों के लिए हमने उनके बड़े पैमाने पर रुके हुए काम कराए, और सांसदों को भी विश्वास में लेकर उनके कामों की लिस्ट लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़े। कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सबने मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, और माननीय मोदी जी का नाम पर्याप्त था। सर चुनौती क्या थी इस चुनाव में आपके लिए लोकसभा, क्योंकि आप तब 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री का दायित्व मिला आपको और उसके बाद ये चुनाव, चुनौती कितना कितनी चुनौती रही है इसमें क्लीन स्वीप करना? देखिये मैं तो ये मान के चलता हूं कि चुनौती तो सदैव रहती है, चुनौती नहीं थी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि हमारे अपने कार्यकर्ताओं की फौज है, सरकार की क्रेडिबिलिटी है, हम सब मिलकर काम करते हैं, और मेरा भी स्वभाव है बड़ी बड़ी बातें न करते हुए मैदान के अंदर जो जरूरी है उन कामों में जरूर हस्तक्षेप करते हैं। गरीब से गरीब आदमी का भी मान सम्मान है, जिससे आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कई फैसले लिए। उदाहरण के लिए ड्राइवर अगर बदजुबानी करता है लेकिन आईएएस अधिकारी उसको कोई टिप्पणी करता तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, गुना की घटना हो बाकी घटनाएं हो। तो हमने जनता के मन में ये बात बनाई है कि सरकार जनता की है, और जब जनता की सरकार बनती है और माननीय मोदी जी जनता के नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार का नारा बहुत गले उतरा, और उसका परिणाम आया कि हम भारी बहुमत से जीते। सर आप बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं फिर आपके ऊपर ही आ रहा हूँ, श्रेय आपको, 29 सीटें जीतना, पहले भी डबल इंजन की सरकार थी 2014 से, 19 में भी नहीं, वो छिंदवाड़ा जीत पाए, 14 में नहीं जीत पाए, 24 में पूरा किला ढा दिया आपने, और ये छिंदवाड़ा ही नहीं राजगढ़ जहां पे कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो रोड बनलागर साहब को हरा देंगे,
वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए ये बात सही है कि दो तो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों की सीटें गई और एक छिंदवाड़ा का आपने नाम लिया, ये तो आज़ादी के बाद पहली बार मुख्य चुनाव में, एक बार उपचुनाव पटवाजी से 40 साल पहले की बात है, वो उपचुनाव में जीते थे, मुख्य चुनाव में कभी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते। लेकिन ये बात सही थी कि हमने पहले दिन से उस पर प्रयास किया था कैसे भी करके छिंदवाड़ा जीतना, मैं 10 बार वहाँ दौरे मेरे हुए, 2 रात वहाँ रहा हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी ताकत लगाई है, हम लोकल। तो वहीं 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 9 जून को, हमने आपको पहले ही बताया। अब समय भी आ रहा है निकलकर सामने, शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो शाम 7:15 बजे 7:15 मिनट पर शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, सुना आपने उन्हें, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कल की खास बैठक के लिए, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये जानकारी कि 9 तारीख को होगा, शाम को 7:15 मिनट पर शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल एनडीए के सहयोगियों के साथ मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने, बीच में आपको खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और इस बैठक में भी नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था। कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है उसमें भी नेता चुना जाएगा। नई सरकार गठन से पहले ये जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है तमाम फॉर्मेलिटीज को। राष्ट्रपति ने भी 7 जून को मिलने का समय दिया हुआ है, 7 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात होगी जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम 7:15 मिनट पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आई 240 सीटें, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई, लेकिन एनडीए के पास मेजोरिटी से ज्यादा का नंबर हासिल है। अशरफ कासमी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशरफ, 7:15 मिनट 9 जून को ये शाम का समय जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सब तय हो चुका है, रविवार को 9 जून और शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और ये अब सब तय हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से सूचना आ गई है, अब 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो उनका तीसरा टर्म है, हैट्रिक है, और ये बहुत बड़ी है कि आजादी के बाद, नेहरू के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एक नया रिकॉर्ड बना है, अब तक लगातार पंडित नेहरू के बाद कोई भी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना, और अब प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी फिर निभाने जा रहे हैं, और ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ।